चावल बनाने स्टार्ट हो गए हैं, चावल बनते हैं तो आपको दिखा दूँ। अभी मैं मसाला भून रही थी, वर्दा ऊपर गई, आवाज़ें देख जा रही, मामा मामा मैं इसको ले गया जल्दी से, आ गई हूँ लेने। हाँ तेने आँधे भी बड़ी काली थी, तेने वापस जाना, क्या कर रही, कोको नहीं देख रही, वो देखो कितने ज़्यादा चूजे नहीं देख रही, चलो आ जाओ चले फिर, आ जाओ आ जाओ, चलो आ जाओ। हाँ जी कोको थी हाँ जी, चलाओ चले। मैं नीचे चावल बना रही थी, आवाज़ें देख जा रही मामा, फिर मैं इसको लेने आई, चलो हाँ जी चलो चले। गर्मी से जैफा का फेस देखे है, कोई हाल बाल पीछे करते हैं, वो देखना मैं बाहर वो खाना बना रही थी मैडम, इधर लेटे लेटे सो भी माँ से देखे जाए, फर्श ठंडा ना फर्श पे बड़े खुश होकर लेटते हैं, साथ वो अपने जो टैडी बियर वसीम ने ला के दिया ना वो लेके सो गई ना सुकून से। नहीं जी बस खाना खाओ, ट्यूशन जाओ, आज भाभी ने लेट बुलाया था ना, चोड़ दी खाओ सही है, अब जी कल इसके सर पे ना नानो घर पतीला लग गया था बेचारे का बहुत ज़्यादा, अरे पिक्चर खींचे ना पायडी लगाई है, अभी अपने शहजादे को ऊपर लटाती हूँ, कूलर चला के देती हूँ इसको ना। फाइनली जी यहाँ पे हमारे गर्मा गर्म आलू वाले चावल बन गए, मिक्स करते हैं, बच्चों को देती हूँ, फिर उन्होंने खा के ना ट्यूशन पढ़ना, बच्चों ने भी खाना खा लिया, मैंने भी अभी मैं चावल डाल कर ही लाई हूँ इधर और लाइट चलेगी, अभी आई है तो मैंने कहा जल्दी से कपड़े निकालती हूँ अपने और बच्चों के। हाँ जी आ रही हूँ, कपड़े प्रेस करते हैं फिर जाने की तैयारी करते हैं, वसीम कह रहे थे कि मैं 8 बजे तक आ जाऊँ तो अभी 7:30 हो रहा था, मैंने कहा चलिए वसीम के आने से पहले पहले हम लोग रेडी रहते हैं, वसीम आई पर हम जल्दी से निकल जाएंगे, तो वसीम के भी कपड़े निकालते हैं अपने और बच्चों के। मैं यहाँ जी वसीम के कपड़े प्रेस कर देख रहा हूँ, वसीम कहते हैं इतना पानी लगा के कपड़े प्रेस किया करें, काटन के फिर ठीक कपड़े प्रेस होते हैं, तो जल्दी से कपड़े प्रेस करती हूँ, फिर खुद भी रेडी होती है, बच्चों को भी रेडी होती है, और फिर हम लोग वसीम का वेट करेंगे, वसीम आ जाए। अभी जी मैं भी रेडी हो गई हूँ, मैंने बच्चों को भी रेडी कर दिया, वसीम अभी तक नहीं आया, बस वसीम का वेट हो रहा है, वसीम आते हैं तो फिर हम लोग चलते हैं, बैक कैमरा ऑन करके बच्चों को भी दिखाते हैं। अच्छा देती हूँ, जैफा भी रेडी है, अनान मेरा भी रेडी है, वो मेरी शहजादी आ रही है वो भी रेडी है, लाओ दूध डाल के तुम खाली फिटे नहीं मुँह में डालते, लाओ वही मेरा शहजादा आ गया, ये देखे मेरी शहजादी भी रेडी, अंदर बहुत गर्मी थी भी हमसे बैठा नहीं था जा रहा, हमने पर कूलर चला के ना हम लोग सारे बाहर बैठे हैं। किधर जा रही हो, चलो जाओ जाओ, बाय बाय तो कर दो, बाय बाय तो कर दो। हम जी अभी जा रहे हैं, वसीम ने आपको बताया 7:30 बजे का, कितने बजे आए हैं, 10 बजे, 9:30 बजे दोनों भाई आगे बैठे हैं, इतनी मज़े की हवा चल रही है, अभी लोग जा रहे हैं, कितना खुश हो रहा है मेरा शहजादा, ये देखें लाइटें देख रही है, इतनी खुश हो रही है, गाड़ियाँ देख के खुश हो रही हैं, कितों आए हो, पिंडो आए हो हैं, पिंडो आए हो, चलो जी हम पहुँच गए, हाँ जी मिल गया था। हम जी अभी आगे मेरे कज़न घर ऐसी चल रहा है कि मन इतना सुकून है ना बता नहीं सकती, तो उनकी स्वीट सी बेबी सो रही, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें ये छोटी सी शहजादी ना सो रही है, जिस दिन हुई थी आपने देखा था कितनी सेहतमंद थी ना, तो अब ना उसके नील परे बनोला वगैरह लग लग के ना अल्लाह पाक सेहत दे, आप सब ने दुआ करनी है शहजादी के लिए ना। चलो उन्होंने ना ऐसी लगाया इसलिए उनके कमरे में सुकून है, ये क्या लगा है हिरके चुतारो नीचे, चलो बैठ जाओ उधर, बैठ जाओ पापा के पास, क्या हुआ पापा का फोन पापा के पास है, क्या करे पिन्ने लगा रही है, रहने दे मैं लगा दूंगी। हाँ जी कह रही ऊपर आना नहीं, इसने फिर बेबी को छेड़ना वो ठीक नहीं है, उसे आगे आई हुई है फिर वो रोएगी, इधर ही खेलो नीचे उतर जाओ। मेरी कजन ने जी पिज्जा ऑर्डर किया, मैंने कहा आपने भला क्यों किया, हालांकि मैंने बताया नहीं था हमने आना, बस अचानक से हम लोग आए तो कहते नहीं कर दिया था। मेरी कजन का ना रूम देखे हम कहने के, अभी उनका फर्स्ट बेबी जब हनान नहीं था ना, हमारा भी रूम ऐसे था, हनान के बड़े होने की देर है, वसीम ने वीडियो डिलीट कर दी वरना इतनी सारी वीडियो पड़ी थी। अच्छा था जब से ये हनान वाला माफ करे, हाँ जी हाँ जी, वो आपने जो नाने यूं पकड़ के सारी चीजें नीचे फेंकनी, फिर ये दो और आ गए, फिर तो ऐसा सजना सवरना ही रह गया हमारा। कह रही हो हाँ ये बेबी के 3-3 फीटर रखे हुए हैं ना, छोटा बेबी ना चले, बेबी के इधर हो जाओ, नो नो नहीं छेड़ना बेबी के। यहाँ जी गर्मा गर्म जरा हमारा पिज्ज़ा आ गई है, मेरी शहजादी खड़ी है, अभी कटिंग करके सबको डाल के देती हूँ, बहुत मज़े का, क्या हुआ आपको मैं डाल के देती हूँ, ना करे शायद भाई डर जाएगी बेचारी, नहीं तो पापा तंग कर बस
ਛੋਟੀ ਹੈ ਚਲੇ ਖਾਏ ਆ ਬੇਬੀ ਕੋ ਧੀਆਂ ਨਾ ਲਾ ਦੇ ہم جی کافی دیر اپنی کزن گھر بیٹھ گئے گپے شپے بھی کافی کیے ابھی رات کافی ہو گئی تو ابھی ہم لوگ جانے لگے ہیں گھر چلو جی چلے چلو بیبی ہے نا آن سے آپ سینڈل پہنو پڑے بھائی اے سی سے باہر آ کے دلی نہیں کرتا نکلنے کو چلو پہن ابھی جی ہم لوگ جا رہے ہیں گھر اور میں کہتے رہ جاؤ پر ہے نا آنے سے بس اسکول جانا سین نے کام پہ ہم نے کہا نہیں ہم گھر ہی چلتے ہیں ہے نا فل ٹائم نیند آ رہی کہ سو ہی گیا उधर ऐसी लगा था ना वहीं पे सो रहा था मैंने कहा घर चल के सोते हैं चलो दरवाजा खोलो चलो क्या हुआ बेबी उधर कॉकरोच है तो उसे देख लिया चलो आ जाओ नान मेरा तो आते साथ ही सो गए घर मम्मा बहुत नींद आ रही चलो सो जाओ नान मेरा जी सो भी गया मुझे खुद नींद आ रही है हाँ जी तो बिस्तर वगैरह बिछाते हैं नींद आ रही है सोने की तैयारी करते हैं आज इंशाल्लाह सुबह का मुलाकात होगी सुबह ये बीच में क्या बहुत मुझे समझ नहीं आता मैंने क्या बोला कह रही मुझे मोबाइल है सुन रहे हैं बाइल 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 अस्सलाम वालेकुम मैं शमैला वसीम कैसे आप सब जी अभी सुबह का टाइम है वसीम चले गए काम पर है ना स्कूल से पढ़ के अभी आ गए आप जल्दी छुट्टी हो जाती है 11 बजे गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई तो यहाँ पर जो चारपाई थी ना वो उठा के मैंने बाइल बिछा दी कमरे में इतनी गर्मी और रात को जब हम लोग आए मैंने कहा बहुत मज़े की नींद आई जब मैं लेटी नींद नहीं आई इतनी गर्मी बाहर से आए थे हवा थी एसी में बैठ गए इतना सुकून मिल रहा था अपने घर आने की देर है बेड पर लेटने की देर है वो गर्मी लगी मैं रात की माने फर्स्ट टाइम 3 बार नहाई हूँ इतनी गर्मी लग रही थी तो वो जो चारपाई है ना वो मैंने यहाँ पे बिछा दी और सामने ना बच्चों को कूलर रख दिया मैंने कहा उनको बाहर बिठा दी ना कि अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई अंदर नहीं जाना जी अभी मेरे कल के थोड़े से कपड़े रह गए ना अलमारी में रखने वाले तय लगा के इतनी कमरे में गर्मी मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ी मैंने कहा चलिए आज खाना शाना बना कर रात को ना बच्चे बाहर लेटे होंगे मैं पंखा लगा के जल्दी से ना समेट दूँगी सारे कपड़े जी उठो चलाओ बाहर ये कूलर जी मैंने इन बच्चों के लिए लगा रही है देख ये सेंड में अभी भी सैकड़े चला रहे वो देखो उधर खेल रहे हैं इधर आकर बैठो कूलर के आगे मैं बस अपने खेलने की पड़ी हुई है कूलर के आगे बैठ जो आके देखिए जाओ वो कितना सोना लग रहा है इधर तो देखो इधर देखो बस देखो ना मैंने दो पोनिया पहनाई इधर देखो इतनी प्याली लग रही है इधर देखो ये भी लगा दो 100 रुपये पोनियों के अंदर बच्चों को जी ट्यूशन जाने का टाइम हो रहा है कल के पड़े में आलू वाले चावल मैंने कहा वही गर्म कर लेती वो नहीं देती हूँ मेरे ड्रेस के साथ का दुपट्टा ना मैंने वर्दा की झिल्ली बांधी थी ये देखिए ये लगा हुआ तो मैं अगर इसको खोल कर ना अभी ना धोखा डाल दे तो सूख जाएगा फिर इन्हें ट्यूशन छोड़ने जाना फिर ले जाऊँगी अभी इसको मैं खोलती हूँ पर इन्हें चावल गर्म कर दूँ फिर इसको धोती हूँ ऊपर बैठ जाओ नहीं इधर ही खड़े होके खाने खा लो आप ही खा लियो ना इतनी पक्की कीड़ा लगी हुई है मैं खोल रही मेरे से खुली नहीं रही मैंने मुंह के साथ भी खोलने की कोशिश की दांतों से तो नहीं खुल रही ये सूट के साथ कटबट्टा मैं कह रही चल खुल ले जाए पर नहीं खुल रही जी वो भाई खेल रही है अंदर आ जाओ भाई बहुत गर्मी है ना मैंने इनको कूलर लगा कर दिया कि ये लोग सुकून से बैठ रही बैठ ही नहीं रहे अंदर आओ मुझे कमर सार था कि आप UPS लगवा लें AC लगवा लें हाय अल्लाह दिल तो हर बंदे का करता अच्छी ज़िंदगी गुजारूँ बस ना इतने अखराजात इंसान अफोर्ड कर सकते फिर कहाँ से लगवाए मैंने कह रहा जितनी हमारे कमरे में AC गर्मी है ना हमारा बस ना चले हम रातों रात में AC लगवा ले पर इंस्टॉलमेंट पे भी AC बहुत महंगा भाभी की मैंने ना पिछले साल लिया था 12,000 किस्त देती थी पूरा साल किस्त दी तो कितने का बना पता 1,30,000 या 35,000 को ने पड़ा था AC इंस्टॉलमेंट पे ना 1.5 टन का पर कूलिंग इतनी ज़बरदस्त है भाभी के मैं कर 2-3 बार गए ना कमेटी देने आंटी चला के बैठे तो इतना मज़ा आता है कोई नहीं जी कभी तो लेस काबिल करेंगे ना इंशाल्लाह UPS नहीं अगर हमने लगवाया जब अल्लाह ने हमें दिया इतना तो वो जो सोलर नहीं चलते मैं सिम से करती वो लगवा लेंगे कि एक पंखा और एक लाइट हमारी चल जाए और कभी अल्लाह ने इतना दिया तो इंशाल्लाह ज़रूर AC लगवाएंगे फिर सुकून से अपने कमरे में सोया करेंगे ऐसे कभी अंदर कभी बाहर कभी सेन में तंग नहीं हुआ करेंगे कोई नहीं कितने दिन कितनी देर कभी तो अल्लाह सुनेगा ही ना इंशाल्लाह ज़रूर आप सबकी दुआ है तो इंशाल्लाह ज़रूर एक दिन सारा कुछ होगा ठीक हाँ अब आंटी आ गई तो भाग के अंदर आ गए हो ना आंटी गुस्से होती है आंटी बाहर नहीं जाने देती कहती गर्मी बहुत है ना अंदर भाग के रखा कर उसे भी ले क्या इधर नहीं चावल नहीं बनाना इसका ट्यूशन का टाइम हो गया चलो ट्यूशन छोड़ के फिर आगे मैंने दाल चावल पकाना चलो जल्दी करो है ना आना जो टाइम हो गया बैग पकड़ो चलो सोने आप भी आओ आपको जूती पहनाऊ आओ जल्दी आओ चले नानो घर आई नहीं सद क्या जाओ ये तो बच्चा मुझे इतना सोना लगता है ना ये अम्मा आंटी के ना पंखे के साथ बड़े पंखे लेती है उसने इसके अंदर बॉल फंसा दी शुक्र है आंटी कहती पक्का नहीं मेरा चल रहा उन्होंने देखा तो नीचे बॉल फंसी हुई थी चलो फट गया ना बलून सब के आ जाओ अब
सारा पानी पानी कर दिया आंटी ने, अभी अंदर गुस्से होना शुरू हो जाना, जल्दी आ चला सोने आपको जुतियाँ बनाने ट्यूशन छोड़ने चले सोने। ओए सोने दो गुत्ता वाली आहो 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 नी सोनी दो गुत्ता वाली।